कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए, मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन, बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस, और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर चार मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर से पंकज मेश्राम की बातचीत। श्रोताओं, कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। पिछले दिनों यदि हम जुलाई माह की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बदलती हुई स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, ये बात तो सही है कि उस वक्त जो केसेस की जो संख्या थी वो कम थी, और लेकिन हम लोग हमेशा उस वक्त भी इस बारे में चर्चा करते थे कि यहाँ पे जो संक्रमण थोड़ा, हमारे अगर स्टेट की बात करें तो थोड़ा लेट आया, बाद में केसेस ज्यादा आने लगे थे। जैसे कि इंडिया में भी, जो अपन भारत देश की भी हम बात करें, तो जो केसेस पहले विदेशों में पहले आने लग गए थे, और हमारे पास जो, जैसे दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें या इवन बेंगलोर की, चेन्नई की, तो हमारे जो जो लार्जर नंबर ऑफ केसेस जो आए वो बाद में आने लगे थे। किसी और अन्य देशों के अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि चाइना या यूएसए या फिर इटली, तो यही फर्क है कि केसेस जब पहले कम थे तो हमारी तैयारी ये थी कि आगे जाके केसेस बढ़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से नंबर ऑफ केसेस कम थे, वो लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होना ही था, और तो फिर हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा है। लेकिन लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म हुआ, पब्लिक मूवमेंट हुई, पब्लिक अलग अलग जगह से आई, चाहे फिर वो वर्कर थे या स्टूडेंट्स थे, जो थे बाहर से जैसे आए हैं, तो संख्या बढ़ी है। लेकिन ये जो हमको इतना टाइम मिला है वो अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए ही वो टाइम बेसिकली मिला हुआ था। लगातार हम ये देखते जा रहे हैं कि जितनी ज्यादा इस मामले में टेस्टिंग हो रही है, ज्यादा संक्रमित लोगों का पता चल रहा है। यदि हम आज की बात करें तो आज क्या स्थिति है सर, और जो टेस्टिंग सेंटरों की जो संख्या है वो क्या बढ़ाई जा रही है लगातार? ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और टेस्टिंग के सेंटर भी बढ़ाए जाए। तो हम भी ICMR के पार्ट हैं, एम्स रायपुर, और हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी ये इंश्योर करने की कि लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए छत्तीसगढ़ राज्य में और झारखंड राज्य में भी जी। और उसी तरह से पूरे देश में भी ICMR ने ये बेड़ा उठाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके, और स्टेट गवर्नमेंट्स या प्राइवेट लैब्स ने मिल करके भी ये टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी। लेकिन क्योंकि उसकी बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं तो वो हो चुके हैं मेजॉरिटी जगह पे, और जो जो टेस्टिंग सेंटर, जैसे अब तो यहाँ पे लगभग सभी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग यहाँ चालू हो गई है। पीछे ही अभी हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया 3 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस को। इससे पहले से ही एम्स रायपुर के अलावा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, रायपुर का जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है या रायगढ़ है, वहां पहले से ही टेस्टिंग हो रही थी, जगदलपुर है, तो यहाँ पे अभी 3 जगह और चालू हो गए, जैसे अंबिकापुर में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट लैब्स भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के RT-PCR से टेस्टिंग हो या ट्रूनेट से जो मशीन है उससे टेस्टिंग हो, तो टेस्टिंग की संख्या डेफिनेटली बढ़ गई है। यदि हम रायपुर की बात करें तो इस वक्त कुछ केंद्रों पर, खासतौर पर सामुदायिक केंद्रों पर एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। आपसे हम ये जानना और समझना चाहेंगे सर कि एंटीजन टेस्ट का ये तरीका कितना प्रभावी है, कितना प्रामाणिक है, और हम इसको विकल्प के तौर पे कैसे देख सकते हैं?
जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायरस है वो हमको जो स्वाब लेते हैं उससे निकल के आता है, ओरल स्वाब मतलब ओरोफेरिंजियल स्वाब या नेसोफेरिंजियल स्वाब के द्वारा, और उसकी टेस्टिंग होती है वायरस के लिए। और आरटीपीसीआर का ही टेस्ट है जो कि सबसे ज्यादा कारगर टेस्ट माना जाता है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं। मगर ये टेस्ट के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो सैंपल वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम बीटीएम के द्वारा लैब में जाना होता है, फिर ये टाइम जरूर लगता है, कभी कभी कुछ घंटे लगते हैं इसका रिपोर्ट आने में, और एक से दूसरे जगह इसको सैंपल एक शहर से मान लीजिए दूसरे शहर में ले जाना पड़ा जहां लैब है, तो इसमें डेफिनेटली 24 घंटे या कहीं इवन 48 घंटे भी लगते हैं इसमें टेस्टिंग का रिपोर्ट मिलने में, कभी कभी ज्यादा भी लगा है। तो ये लेबर इंटेंसिव टेस्ट है, मगर ये सबसे रिलायबल टेस्ट, ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अभी भी यही है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट है, जैसे ट्रूनेट के से भी टेस्टिंग होती है, वो थोड़ी रैपिडली हो जाती है। और ये जो पहले एंटीबॉडी टेस्टिंग की गई थी वो मेनली सर्वेलेंस के लिए तौर पे यूज की जाती है, ना कि डायग्नोसिस के, लेकिन सर्वेलेंस तौर पे कि कितनी इम्यूनिटी जनता में या पब्लिक में है ये जानने के लिए जी। मगर ये जो एंटीजन टेस्टिंग है ये भी एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, इससे भी स्वाब का टेस्ट लिया जाता है, और ये पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव इसको माना जा सकता है, लेकिन निगेटिव आने के बाद भी उसके कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है आरटीपीसीआर के द्वारा। तो फिर अगर हम इस बारे में सोचे, ठीक है जहां हॉटस्पॉट है तुरंत डायग्नोसिस के लिए काम में जरूर आता है, लेकिन आरटीपीसीआर की आवश्यकता हमेशा रखती है अभी भी। जी जी सर, रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा इस वक्त हम सीरो सर्वे, इसका भी लगातार नाम सुन रहे हैं, जैसे हम दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी इस सर्वे के बारे में अच्छी खासी खबर चर्चा में है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या है? ये एक हम कितनी हर्ड इम्यूनिटी मतलब टोटल जो पब्लिक है उसमें कितने लोगों में इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार हो रही है या हो गई है, ये देखिए वैक्सीनेशन के द्वारा भी हो सकता है, या अगर संक्रमण रहता है एक से दूसरे में अगर फैल रहा है तो भी ये हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन हो गया सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन हो गया एसिम्टोमेटिक में पता भी नहीं चला, उसमें भी शायद एंटीबॉडी आ जाती है। तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसमें ब्लड में टेस्टिंग होती है, क्योंकि ब्लड में एंटीबॉडीज हम डिटेक्ट करते हैं, ये भी एक रिलेटिवली क्विक टेस्ट है ब्लड ड्रॉप्स लेकर के। मगर यही बात है इसमें भी कि ये डायग्नोसिस पर्पजेस के लिए नहीं किया जाता है यूज, सर्वेलेंस पर्पजेस के लिए यूज होता है कि इतने इतने पेशेंट्स में इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिल रही है, और वो ज्यादा पेशेंट्स में अगर हमको मिलता है तो हमको यही होता है उम्मीद कि अब ज्यादा पेशेंट्स को होपफुली इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मतलब एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, क्षमता इस इन्फेक्शन को फाइट करने की है। लेकिन इसको अभी भी एक रिसर्च टूल के तरफ लिया जाता है, इसमें कंफर्मेशन आने में टाइम लगता है अभी भी। जी जी जी, अब वो स्थिति आ गई है जिसको हम सामुदायिक संक्रमण या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नाम दे सकें, या उसको इस तरह से समझ सकें। देखिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो एक जब पूरे कंट्री के हिसाब से यहाँ तो बताना पड़ेगा, और हर एक जगह तो सिचुएशन अलग है जी, तो पॉकेट वाइज तो हॉटस्पॉट डेवलप हो सकते हैं जैसे अलग अलग जगह पे हुआ, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए तो पूरा कंट्री का डेटा इकट्ठा करके फिर सरकार अपने आंकड़े आईसीएमआर उसी हिसाब से पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अपना डेटा देते हैं, लेकिन इस वक्त तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हॉटस्पॉट्स हैं स्पेशली शहरी इलाकों में, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में, या किसी अन्य राज्य की बात करें जैसे महाराष्ट्र में तो मुंबई में जी, पुणे में। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो टर्म देना मुश्किल होगा इसको जवाब, लेकिन ये हॉटस्पॉट्स जरूर है डेफिनेटली, वहां पे नंबर ऑफ केसेस आर हायर क्या जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। एक स्थिति ऐसी जरूर आती है इस संक्रमण के दौरान जब सारी स्थितियां पीक पर चली जाती हैं, हम अपने राज्य की बात करें तो क्या स्थिति है सर, और वैसे स्थिति निर्मित होने में की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, और वो स्थिति कब तक आने की संभावना नजर आ रही है? हाँ जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ देशों में ये वायरस पहले आ गया था, तो अगर मान लीजिए वहां पे अप्रैल मई में उनके पास कहीं पीक आया, कहीं पे जून में आया, हमारे यहाँ क्योंकि ये संक्रमण थोड़ा सा लेट आया था, तो अभी हम धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो संख्या है मरीजों की मार्च अप्रैल मई तक भी कम थी, लेकिन जून में काफी बढ़ गई, जुलाई में और बढ़ गई है। तो शायद हम उस तरफ से अगर हम अपना ग्राफ देखें तो हम एक राइजिंग ट्रेंड देखते रहे हैं जी, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, हो सकता है कि अभी जुलाई में या अगस्त में आके फिर वो अपना एक पीक अचीव करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे केसेस कम हो,
वो टाइम ही बताएगा लोग अपने कितनी सावधानी रखते हैं, लॉकडाउन का कितना फायदा होता है, फायदा होना चाहिए उसका भी, तो ये सब चीजें उसमें ऐड करेंगी तभी हमको वो चीज हम बता पाएंगे जी। इसके अलावा दूसरी लहर के भी बारे में कई बार बातें सुनने को मिल रही हैं, वो क्या होती हैं और उसकी आशंका भी रहती है सर? उसकी आशंका जरूर रहती है क्योंकि अभी तक भी इसका कोई वायरस तो है नहीं, इवन दवाइयां जो है वो ट्रायल बेसिस वाली मेडिकेशंस हैं जी। तो अगर पिछले बार अगर मान लीजिए किसी शहर में वायरस फैला था, संक्रमण फैला था इस वायरस का, और कुछ लोगों को होगी बीमारी, कुछ लोग उसमें से छूट गए लेकिन उनका एंटीबॉडीज उसमें नहीं डेवलप कर पाए, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर कभी कोई बाहर से अगर कोई मरीज आता है तो वो एक सेकेंड राउंड फिर इन्फेक्शन का पॉसिबल है। इसीलिए ये वायरस के लिए दवाइयां, कारगर दवाइयां बननी जरूरी हैं और जल्द से जल्द जब भी वैक्सीन तैयार हो जाए तो लोग उसको वैक्सीन का भी उपयोग कर सकें। लगातार जो संक्रमण के मामले, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, तो उन सेवाओं पर किस प्रकार का दबाव आप महसूस कर रहे हैं? ये देखिए क्योंकि पब्लिक मूवमेंट होना मुश्किल हो जाती थी लॉकडाउन के दौरान, या क्योंकि आप कहिए ट्रेन का मूवमेंट या व्हीकल्स का मूवमेंट कम था डेफिनेटली, या इवन फ्लाइट से आना जाना, पहले तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा महसूस हो रही थी नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। एटलीस्ट अगर हम अपनी संस्था की बात बोले तो हमने ट्रॉमा इमरजेंसी के सर्विसेज हमेशा ही चालू रखे थे, और जैसे हमने 2 महीने के बाद देखा कि ओपीडी सर्विसेज की जरूरत है मरीजों को, स्पेशली जो फॉलोअप में आते हैं, तो हमने अपनी ओपीडी भी खोल दी थी, और इसमें वॉकिंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं और जो पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करके रहे वो भी पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ दिखाने के लिए। इसके अलावा हमने शुरुआत से ही टेली कंसल्टेशन यहाँ चालू रखी थी, उसका भी लोगों ने फायदा उठाया पेशेंट्स ने। लेकिन ये बात सही है कि जैसे अन्य सभी सेवाओं में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है, तो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी पड़ा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन मरीजों को भी केयर मिले जो उनकी जिसकी जरूरत है उनको। आज हम देख रहे हैं इतनी जागरूकता के बावजूद लोग बेफिक्र हैं, बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं, और कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर संक्रमित लोगों के द्वारा ये कहते सुना जा रहा है कि हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने में नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें एडमिट कर लिया गया है। ऐसे लोगों को आप किस तरह समझाना चाहेंगे सर, उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे ताकि लोग जो बाहर हैं, जो अब तक सुरक्षित हैं, वो उनकी बातों में ना आए और इस खतरे को भांपते हुए कम से कम जो सावधानी बताई जा रही है उसका पालन करें। मेरी बहुत सही है कि ये मरीजों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से जानकारी लगातार दी जाती है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से भी लगातार प्रॉपरली जानकारी दी जा रही है। तो देखिए ये बात तो सही है कि ये संक्रमण ऐसा है कि तेजी से एक से दूसरे में फैलता है, जो प्रिकॉशन के बारे में बोला गया है उसका जरूर जरूर पालन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होकर के 70-80% ऐसे ज्यादा पेशेंट होंगे ऐसे जो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जरूर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको एडमिट करना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है ज्यादा लंबे अरसे तक, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, खास करके जो जो जिनकी उम्र ज्यादा है या किसी और कोमॉर्बिडिटी कहते हैं डायबिटीज है उनका अनकंट्रोल, या कैंसर से पीड़ित है पहले से, या किडनी डिजीज से पीड़ित है, तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर मान लो दूसरे को फैला सकता है ये पेशेंट इन्फेक्शन, तो उस दूसरे पेशेंट के लिए काफी घातक हो सकता है। तो हमको उनका भी ध्यान रखना है, जरूरी है हम सबका ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। और हमने देखा है कि लगातार बदलती हुई स्थितियों को देखते हुए हमें अपनी रणनीति नीतियां बदलनी पड़ी हैं। हम यदि अपने राज्य की बात करें तो आने वाले समय को देखते हुए किस तरह नीतियों में बदलाव किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जैसे जैसे हम लोगों ने देखते गए कि ये पिछले 5-6 महीने जैसे गुजरे हैं, दुनिया ने एक अलग ही एक रूप इस वायरस का देखा है जैसे पहले कभी देखा नहीं था। तो फिर वो चाहे WHO हो या अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या राज्य सरकार है, अपने अपने गाइडलाइंस जैसे जैसे जरूरत पड़े तो बदलने भी पड़े, जो कि आई थिंक नीड ऑफ द आवर था, नेसेसरी भी था वो। उसी हिसाब से अगर हम ये देखेंगे कि अपने यहाँ पे संख्या बढ़ी है तो प्रॉपर बेड्स की तैयारी की गई है, तो लोगों का कोऑपरेशन उसमें मिलेगा, और एक दूसरे को अगर संक्रमण फैलाने से रोकेंगे तो इसकी संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। सरकारें अपने तरफ से तैयारियां कर रही हैं,
गाइडलाइन, चाहे वो WHO हो, ICMR है, वो अपने हिसाब से गाइडलाइन इशू कर रहे हैं और तेजी से रिसर्च हो रहा है अच्छी दवाइयों के लिए, एंटीवायरल तेजी से रिसर्च हो रहा है दुनिया भर में, हमारे देश में भी वैक्सीन के लिए। तो ये जब तक नहीं होता तब तक हमको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर नियंत्रण इतना आसान नहीं है। जैसे इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो भी इसके लिए अनप्रिपेयर्ड थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरे ख्याल से हमको काफी अब इस बीमारी के बारे में नॉलेज हो चुका है। इंडिया में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर हो चुका है इस अंडरस्टैंडिंग का, इस पर्टिकुलर वायरल डिजीज का जी। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी एम्स रायपुर में काफी रिसर्च अलग अलग उस संक्रमण के पहलू पर चल रहा है और हमारे यहाँ काफी अच्छी रिकवरी रेट रही है और मृत्यु दर काफी कम रहा है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी इसमें और नर्सिंग स्टाफ ने भी काफी कुछ इसमें सीखा है जो मरीजों के आगे के इलाज में कारगर होगा, लेकिन अपनी सेफ्टी उनको जरूर जो जो प्रिकॉशंस बोले गए हैं वो लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले श्रोता उन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने आसपास को, माहौल को, अपने से जुड़े लोगों को जब बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, जरूरी काम के लिए, तो एहतियात बरतेंगे। आपसे इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर से पंकज मेश्राम की बातचीत सुन रहे थे। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस COVID-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को COVID-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। COVID-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, संक्रमण काल के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्या आ रही है, मसलन नींद न आना, डिप्रेशन का शिकार। इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर हम बातचीत करेंगे राजधानी रायपुर की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण छावछरिया से। मैडम, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किरण छावछरिया जी, हमारे सारे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं और इसकी विशेषता के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, जैसे WHO ने इसकी परिभाषा लिखी है कि एक कल्याण की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जो क्षमता है उसको जानता है कि मेरी क्या क्षमता है, ठीक है। हाँ हाँ। दूसरा है कि जीवन के सामान्य जो तनाव होते हैं वो बखूबी उसका सामना कर सकता है, जी जी, उसमें वो मैनेज कर सकता है। तीसरा है उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है, माने वो ऐसा काम करता है जो प्रोडक्टिव भी हो और फ्रूटफुल भी हो। और चौथा ये है कि वो अपने या अपने समुदाय के लिए योगदान देने में सक्षम है। जी। जैसे कि किसी ने, मैंने पढ़ाई की तो मैं उसको बांट सकती हूँ, यही योगदान है। किसी ने कुछ सीखा वो अपने समुदाय को बांटता है, उसको अपलिफ्ट करता है। मेंटल हेल्थ का मतलब कि जो खुद की क्षमता को भी समझता है, अपनी तनाव को भी झेल सकता है और उसको बखूबी उससे बाहर आ सकते हैं और समाज को योगदान देकर आगे बढ़ा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं, इस संबंध में हम विस्तार से जानना चाहते हैं। क्या होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो मानसिक स्वास्थ्य की धुरी है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है सर, जी जी, जितना कि लंबे स्वस्थ जीने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनके सारी की रूट साइकोलॉजिकल होती है। जैसे अगर घुटने में भी दर्द है तो उसका साइकोलॉजिकल रीजन पहले आता है। हो सकता है कि हम बहुत इगोइस्ट हैं और इसलिए धीरे धीरे हमें घुटने का दर्द हो रहा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही करीब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक बीमारी कितने प्रकार की होती है और इसके कारण क्या क्या है ये जानना चाहेंगे।
सबसे पहले तो बीमारी दो तरह की होती है, एक शरीर की और एक मन की। इसको हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल वो होते हैं जो हमको शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं, बुखार हो गई, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब शारीरिक रोग है। जी जी। जैसे ही कोई शारीरिक रोग होता है, तीन दिन से बुखार हो गया, तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरे भी बल्कि हमको सजेस्ट करते हैं कि भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन मन के रोग जो मानसिक रोग होते हैं वो उसका थोड़ा सा अलग है। कैसे हैं? जो मन के रोग होते हैं उनसे मन अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मन हमेशा अशांत रहता है, चिंता, भय, निराशा, गुस्सा, तनाव की स्थिति मन में बनी रहती है। जी जी। हमारे मन और मस्तिष्क की जो सामान्य प्रक्रिया है ना सर, वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। जी जी। और इंसान घबरा जाता है, उसके सोचने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है और शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो किस पर डिपेंड करती है? मस्तिष्क पर डिपेंड करती है। पर अगर हम मस्तिष्क से सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा बात यह है कि जैसे कोई मानसिक बीमारी किसी को हो गई, बहुत दिन से उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कभी भी डॉक्टर के पास, जो काउंसलर है, फिजियो साइकोथेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, उसके पास जाने में घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे और मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पैसा खर्चा होएगा, समय खर्चा होएगा और कौन सा अच्छा है। तो हमारी जो अवेयरनेस है मन के रोग के प्रति वो इतनी स्वस्थ नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इस तरह से नहीं है। अगर किसी को एक हफ्ते से ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, उदास है, तो वो झट झट काउंसलर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। जी जी। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कोई उनके यहाँ से निकलते हुए देख लेंगे तो बोलेगा भाई ये तो मेंटल केस हो गया, इसको तो कोई मानसिक बीमारी हो गई। जी जी जी। हमारे यहाँ इस चीज को इतना स्वस्थ नहीं लिया जाता। और बात करेंगे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको किस फिल्म का गीत सुनवाएं? वो गीत बहुत अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं जी, वो आप सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। तो आइए सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म बालिका वधू का ये पहला गीत। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़
छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं श्रोताओं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरण छाव छरिया जी से। आप हैं मनोरोग विशेषज्ञ। तो मैडम जैसे कि अभी संक्रमण काल में बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हैं तनाव और नींद की कमी है तो तनाव और नींद का आपस में क्या संबंध है? बहुत सुंदर आपने पूछा है। अभी ऐसा कोरोना काल भी चल रहा है इसमें थोड़ी मानसिक बीमारी और ज्यादा इंसान को डर भय हो रहा है कि भाई उसको ये बीमारी नहीं हो जाए और हो जाएगी तो कैसे ठीक होएगी। और डिप्रेशन जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत ही मेजर और कॉमन बीमारी है। डिप्रेशन की ये खतरनाक बीमारी तो पूरे विश्व में फैली है। जी, जी जी जी। और एक स्टडी के अनुसार अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की मैं जो बात करती हूँ उसमें से 5 में से 1 एडल्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से प्रभावित रहता है। जी, 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 आज अमीर गरीब एजुकेटेड अनएजुकेटेड सभी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जी जी। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों के पास सारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं अर्थात संपत्ति है वे भी मन के रोगों से मुक्त नहीं है। जी हाँ। वो तो ज्यादा तनाव में रहते हैं। अब सामने ही हम केस देख ही रहे हैं। जी जी जी। तो डिप्रेशन में एक मेजर ये होता है कि व्यक्ति अगर लंबे समय तक उदासी महसूस करता है पहले जिन कामों में उसे अच्छा लगता था मजा आता था अब उसमें अगर उसके कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तो उनको थोड़ा सा विचार करके किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जी जी। या जी। सबसे अच्छा रहेगा अपने माता पिता या अपने जो करीबी दोस्त है अपने भाई बहन जिनसे उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनसे जरूर बात करें। मैंने मन में चीज को नहीं रखे। जी जी। आप उसको शेयर करें कम्युनिकेट करें तुम सामने वाले माता पिता उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ज्यादा समझदार है वो हमेशा उनका भला ही चाहें तो जरूर कम्युनिकेट करना चाहिए। और सर दूसरा सवाल जो है तनाव और नींद। तनाव का सीधा प्रभाव हमारी नींद पे पड़ता है। यदि हम तनाव में है तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। जी जी। भूत भविष्य के सैकड़ों विचार मन मस्तिष्क में घूमते रहेंगे और हमें पर्याप्त आराम भी नहीं मिलेगा थकान चिड़चिड़ापन हो जाएगा। जी। इसलिए अत्यधिक मानसिक तनाव से शरीर की नसें भी सिकुड़ने लगती है ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो धीरे धीरे बीपी हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी भी बीमारियां होने लगती है। जी हाँ जी। लेकिन इन सब में नींद का बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। नींद प्रभावित होती है तो बहुत सारी बीमारियां हमें तो नींद में दिशा का भी काफी महत्व है तो अच्छी नींद के लिए कौन सी दिशा में सोना चाहिए? सर ये बहुत ही सुंदर आपने पूछा है कि दिशा जैसे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सोने की सही दिशा कौन सी होना चाहिए आपने जी जी जी। तो अगर वास्तु के साथ विज्ञान है ये मतलब खाली वास्तु नहीं ये पूरा साइंस है। जी हाँ। हमारा जो शरीर है तो हमारा जो सर है क्या है वो हमारे शरीर के नॉर्थ में ठीक है ना। जी जी। शरीर सर तो नॉर्थ में है और पृथ्वी और हमारे शरीर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर हम नॉर्थ दिशा में सर रखकर सोते हैं तो शरीर का नॉर्थ पृथ्वी का नॉर्थ एक साथ होने से क्या होगा? जी जी। प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। हाँ, तो धक्का देगा वो। हाँ, और हमारे शरीर में संकुचन बढ़ जाएगा। जी। शरीर में प्रेशर आएगा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की स्पीड तेज हो जाएगी। जी हाँ जी। मन में हमेशा धड़ धड़ धड़पड़ होती रहेगी और हमें अच्छी नींद नहीं आएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो दिशा है वो नॉर्थ में कभी भी नहीं होना चाहिए। जी जी, जी। ये मेजर एक चीज सबके लिए लागू है। हाँ, नॉर्थ में सर नहीं रखना है तो कहाँ रखना है? हाँ, तो जो भी स्टूडेंट्स है जी जो स्टूडेंट्स है जो मतलब योगी है वो सब उस टाइप के लोग कहाँ सोते हैं बुजुर्ग है वो
पूर्व में सर रख के सोना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। और जो विवाहित है, गृहस्थ आश्रम निभा रहे हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी। जी जी जी, बात हमें ध्यान रखना है कि उत्तर में सिर रख के कभी भी नहीं सोना। आगे और बात करेंगे, बताइए दूसरा गीत हम किस फिल्म का सुनवाएं। तेरे रश के कमर तो बहुत ही फेमस है जी, वो आपको समझ में आए तो देख लीजिए। तो हम आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर की ये रचना। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तू प्यारी नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आवोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, श्रोताओं। हम बात कर रहे हैं संक्रमण काल में मनोरोग के संबंध में। मैडम, जैसे हमने अच्छी नींद की बात की, इसके बाद भागम भाग की स्थिति में लोग देर रात तक टीवी देखते हैं या सदस्य देर रात तक खाना खाते हैं, फिर देर रात तक सोते हैं, तो रात में कितने बजे तक सोना चाहिए? सर, ये तो एक लाख टके का क्वेश्चन है कि कितना बजे सोना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी क्या हो गया, एंटरटेनमेंट के इतने साधन और इतने चैनल्स हो गए हैं, मोबाइल भी आ गया है, ये इतने ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं, तो लोगों की नींद कम हो गई है। जी जी। और आप जानते हैं सर, नींद अगर कम होए ना तो 50 बीमारियां घर कर लेती है। जी मैं जी। तो कम बता रही हूँ, लेकिन ये सही है कि 50 रोग हो सकते हैं, सर दर्द, आंखों में दर्द, कंधा दर्द, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़कर
ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे तक जा सकती है। जिंदगी में नींद अच्छी है तो सारे मानसिक रोगों को खत्म करने का ये अकेला ही सूत्र है। यदि आप अच्छे से सो पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास नहीं फटकेगी। जी तो वैसे कितने घंटे सोना चाहिए? 7 से 9 घंटा। 7 घंटा मिनिमम सोना चाहिए और 9 घंटा मैक्सिमम, ठीक है, एज के हिसाब से। जैसे जो यंगस्टर्स है 7 घंटा उनके लिए अच्छी है सर, लेकिन अब ये है कि कितना बजे सोना चाहिए, तो अपन कोशिश करके 11 बजे तक अब जरूर सोएं और एक फिक्स टाइम कर ले बच्चे बड़े सभी कि 11 बजे हम सो जाएं और फिर सुबह 6-7 बजे तक उठ जाएं। लेकिन हो क्या रहा है, अभी दो दो बच्चे बच्चे सो रहे हैं, उनका जो 4 साइकिल होती है हमारे स्लीप साइकिल जिसको हम बोलते हैं वो पूरी नहीं होती है। जी जी जी। स्लीप साइकिल में सर एक नॉन रैम होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट साइकिल होती है, उसके 4 चरण होते हैं और उसके बाद रैम होती है, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल होती है। तो जब हमारे ये 5 चरण पूरे होते हैं तब जाके हमारी पूरी नींद अच्छी से होती है। लेकिन बच्चे इतना लेट से सो रहे हैं, यहाँ तक कि हम भी इतना लेट से सो रहे हैं, तो सारी साइकिल पूरी नहीं हो रही है। सुबह उठ के हमें स्वस्थ ही नहीं लग रहा, फ्रेश ही नहीं लग रहा है। जी जी जी। होता है कि नहीं होता है? इसलिए सर एक जो भी हो उनको अपना नींद का सोने का टाइम फिक्स करना चाहिए। जी जी। और हो सके तो 3 घंटा पहले खाना भी खा लेना चाहिए ताकि खाना पूरी तरह डाइजेस्ट भी हो जाए जी। और अच्छी नींद आए और सुबह फ्रेश होकर उठे तो पूरा दिन हमारा फ्रेश रहता है। आखिर में हम आपसे एक और अहम सवाल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान में चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथिक हो, करवट का बहुत बड़ा महत्व है। किस करवट सोना चाहिए जिससे हमें हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो? सर बहुत ही अच्छा है ये बात। 4 करवट से हम इंसान सो सकता है। एक पीठ के बल सोता है, जी जी, पेट के बल सोता है, एक दाहिनी तरफ करवट लेके सो सकते हैं और एक बाईं तरफ करवट लेके। जी जी जी। तो अगर हम विज्ञान की माने तो हम सबको लेफ्ट हैंड साइड करवट करके सोना चाहिए। अगर विज्ञान की मानते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोने से क्या होता है सर, हमारा रात भर सूर्य स्वर चलता है। सूर्य स्वर का मतलब ये हुआ दिन में सूर्य रहता है, रात में सूर्य नहीं रहता है। सूर्य हमको गर्मी देता है। जी जी जी। जब रात में हम लेफ्ट हैंड साइड करके करवट लेके सोएंगे तो सूर्य स्वर चलेगा, यानी उल्टा चलता है हमेशा। तो सूर्य स्वर चलेगा तो हम रात भर हमारे शरीर में जरूरत जितनी है उतनी गर्मी रहेगी। हृदय के लिए भी लाभ है। हाँ, हृदय के लिए भी बहुत लाभदारी होता है। और अगर ऐसा सोने में असुविधा हो तो पीठ के बल सो सकते हैं। जी, जी जी जी। लेकिन राइट हैंड साइड करके नहीं सोना है और एकदम उल्टा होकर पेट के बल भी नहीं सोना है, क्योंकि पेट के बल सोना एक रिलैक्स प्रक्रिया है। जी जी। आप 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट रिलैक्स होने के लिए सो सकते हैं, लेकिन पेट के बल नहीं सोना। संक्रमण काल में मानसिक स्वास्थ्य और इसके अलावा नींद की समस्या भी लोगों को हो रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे आखिरी गीत कौन सा है? तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप। जी तो आइए सुनिए जावेद अख्तर का लिखा फिल्म 7-7 का गीत। गायक कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर
एक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। डॉक्टर किरण छावछरिया जी, आपने हमारे सुनने वालों को महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप हैं मनोरोग विशेषज्ञ, इससे संक्रमण काल में लोगों को फायदा होगा, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोरोना से डरे नहीं और घर पर रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने यह ठान लिया था कि वो सब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगे, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल, हर कोई हर रोज हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। इसके साथ ही कोरोना जागरूकता का ये अंक समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार।